सेंसिटिव टॉपिक है, स्पिरिट में रहना है। एक व्यक्ति जो विश्वास में चलता है वो अलौकिक चीजों को देखता है। स्वर्ग दूत लोग परमेश्वर के जैसे नहीं दिखते, लेकिन आप और मैं किसके जैसे दिखते हैं? परमेश्वर के जैसे। स्वर्ग की एक तिहाई स्वर्ग दूत जो नीचे गिराए गए थे उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने कोई प्रोसेस नहीं रखा, लेकिन मनुष्य जब पाप में गिर गया उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान कर दिया। कुल मिलाकर कितने हैं? अनगिनत। उसमें से एक स्वर्गदूत ने 185,000 को एक ही रात में उड़ा दिया, सही है? अब आप सोच कर देखिए कि ये परमेश्वर कितना बड़ा होगा जिसने ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को इस शेप में बना के रखा है। और मुझे गर्व है कि वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है। एंजल्स को खुदा ने किसके लिए बनाया? अपने पुत्र यीशु के लिए बनाया। यीशु के लिए सृष्टि किया गया है। लेकिन जब एक व्यक्ति जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जब उसका तारण होता है, जब उसका उद्धार होता है, यीशु के लिए सृष्टि किया हुआ एंजल्स उसके लोगों के लिए भी सप्लाई किया जाता है। ऐसे ही आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर यीशु को महिमा देने लगते हैं, एंजेलिक रेलम आपके ऊपर ओपन होता है। आमेन, हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों की। भजन संहिता 103 उसका 20, परमेश्वर के दूत उसकी आज्ञा सुनकर उसके इच्छा को पूरी करते हैं। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 148 उसका 2, यहोवा की सारी सेनाओं तुम उसकी आराधना करो। एंजल्स आर गॉड्स आर्मी, और स्वर्गदूत परमेश्वर की सेना है। स्वर्गदूत परमेश्वर की सेना है, और स्वर्गदूत नहीं चाहते कि लोग उसकी आराधना करें। दे फॉरबिड वर्शिप। स्वर्गदूत नहीं चाहते कि उनकी आराधना की जाए। फिर मैंने आपसे बात की थी, एंजल ये वर्ड जो ग्रीक भाषा में है उसका मतलब है एंजेलोस, इब्रानी भाषा में है मालाखा। 34 पुस्तकों में स्वर्गदूतों के बारे में बताई गई है, 17 पुस्तक पुराने नियम के और 17 पुस्तक नए नियम के। 263 times 263 बार बाइबल में स्वर्ग दूतों के बारे में जिक्र किया गया है। 104 बार, कितने बार? 104 बार स्वर्ग दूत मनुष्यों के सामने प्रकट होते हैं। उसमें से 52 बार प्रकाशित वाक्य लिखे हुए योहन्ना के सामने आते हैं। बाइबल में 3 स्वर्गदूतों का नाम लिखा हुआ है, एक गब्रियल, जिब्राइल, मिखाइल। जिब्राइल ये नाम लिख के रख सकते हैं आप, 3 बार आया है बाइबल में। हालेलुया, 3 times 3 बार आया है। गॉड इज माई स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है। Amen. एंड वैसे ही माइकल, मिखाइल, मिखाइल इनका नाम बाइबल में 5 बार लिखा हुआ है। ही हु इज एज गॉड, वो जो परमेश्वर के जैसा है। और तीसरा लूसीफर, ये भी एक एंजल है, स्वर्गदूत है। इसका नाम का मतलब ब्रिंगर ऑफ लाइट, उजियाला लाने वाला। हेड ऑफ वॉर एंजल्स। और मिखाइल के बारे में, ही इज द हेड ऑफ वॉर एंजल्स। मिखाइल जो है वो कौन है? लड़ाई करने वाले जो स्वर्गदूत लोग हैं उन स्वर्गदूतों की सेना का प्रधान है। वैसे ही जो गब्रियल है, जिब्राइल, कैसे हिंदी में? जिब्राइल जो है, ही इज द हेड ऑफ न्यूज डिपार्टमेंट।
स्वर्ग में जो न्यूज डिपार्टमेंट है, जो खबर का डिपार्टमेंट है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर खबर लेकर आते हैं लोगों के पास, वो सारे खबर के डिपार्टमेंट को, नॉट खबर, खबर खबर न्यूज न्यूज या संदेश, उसके जो हेड है वो कौन है? जिब्राइल। मैंने आपसे कहा था यीशु मसीह के आगमन के समय पर, पहला जो आगमन था, जो यीशु शरीर में प्रकट हुआ, उस टाइम पर एंजेलिक एक्टिविटी पृथ्वी पर बहुत ही प्रभावशाली था। बहुत ही सामर्थ्य रूप से हम स्वर्ग दूतों को प्रकट होते हुए देखते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ। आमेन, 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 आमेन। वैसे ही यीशु के दूसरे आगमन से पहले एंजेलिक एक्टिविटी फुल फ्लेज में रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग दूतों की सेवा बहुतायत से रहेगी। बोलिए बिलीव, विश्वास करें। ये जो संदेश है, ये संदेश नोट्स लिखने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये नोट्स लिखेंगे आप, नोट्स लिख के बंद करके फिर नॉर्मल जिएंगे, फर्क नहीं रहेगा। लेकिन आपको ये विश्वास से पकड़ना है, ये आपके लिए प्रकाशन बनना है। इफ यू आर रेडी टू लीव इन द रेवलेशन अबाउट एंजल्स, यू विल एक्सपीरियंस एंजेलिक एनकाउंटर्स। अगर आप तैयार हैं स्वर्गदूतों के बारे में, वो प्रकाशन में जीने के लिए, तो आप अपने वो जीवन में वो सब चीजों को करते होते हुए देखेंगे। स्वर्गदूतों के साथ आपका आमना सामना होगा अगर आप स्वर्गदूतों के बारे में एक प्रकाशन को अपने अंदर रखेंगे, तब होगा। अगर अंदर प्रकाशन नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। अभी इधर किसी ने गवाही दिया, क्या था वो 70 ट्रक, क्या था वो 70 गाड़ी थी, 70 गाड़ी जल गई थी। हाँ, एक गाड़ी ब्लास्ट हो गया था। ओके, तो सब वहां से जितने बच्चे, कौन है वो बच्चे, भाग रहे थे। अच्छा, तो वो लड़का, परमेश्वर ने वो लड़के को बचाया, सिस्टर के बेटे को। हाँ, बोला कि कुछ भी नहीं होगा, कि हम हमारी मम्मी प्रार्थना करती, हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना के द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। और वैसे ही हुआ, सब बच्चे अंदर गए, पूरी गाड़ी बाहर निकली, जिस पे ब्लास्ट हुआ था उसी को नुकसान हुआ, बाकी कुछ नहीं। सो वहां पर एक बड़ी दुर्घटना होने से परमेश्वर ने बचाया। आमीन। ये बात सच है, थोड़ा और डीपर रेलम है। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर, एवरी टाइम गॉड इज नॉट रनिंग ऑन द अर्थ, हर बार परमेश्वर पृथ्वी पर नहीं दौड़ रहा। He has set some angels to do his work. उसने कुछ स्वर्गदूतों को रखा है उसका काम करने के लिए। परमेश्वर ने ही बचाया है, लेकिन थोड़ा और डीप में जाकर कैसे बचाया उसका प्रकाशन आप रख सकते हैं। आमीन, आमीन, लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? किसी एक का गवाही मैंने इधर सुना, वो बहन को संडे आराधना में आना था, उसके पास पैसे नहीं थे, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। वो कौन था? चलेगा क्या गवाही देकर? है जी। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष कर। वो सिस्टर के पास में पैसे नहीं थे, पैसा देके तो नहीं मंगाया ना गवाही, या खुद से दिया है ना गवाही? क्या कोई यहां से पैसा दिया था गवाही देने? पक्का? कब से आवत है यहां? 1 महीने से आवत है, 3 महीने से। वेरी गुड। सो वो चर्च में आने के लिए भूखी है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, ऐसे भूखे लोगों के लिए धन्यवाद जो संडे आराधना को महत्व देते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए बारिश एक बड़ी बाधा है। संडे चर्च में आने के लिए क्या बड़ी बाधा है? दुष्टात्मा नहीं, बारिश। आज सुबह पवित्र आत्मा एक चीज मेरे अंदर बोल रहा था, ये लोग पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं और पानी से डरकर घर में बैठते हैं। हालेलुया। पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते कैसे हैं? कैसे? ऊपर टच करके नहीं, पानी में पूरा डूब के बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन संडे आराधना को थोड़ा बारिश देखा तो, बाबू आज गरीब हसू अपना लाइव बगू लाइव, ए बाला सुधरा सुधर, नखरे सब बंद। हालेलुया। तो बालागिरी करके उधर ही बैठा रहेगा। अगर ऐसा कोई भी सुबह आज आना चाहिए था, लेकिन बारिश देख के अगर आप लाई देख रहे, आपका नाम भी प्रभु मुझे प्रकट करेगा।
हालेलुया। संभाल के रहना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ थे हम लोग? उस सिस्टर को पैसा नहीं था आज आने के लिए, लेकिन उसने उठी और वो प्रार्थना की होगी। नहीं किया तो भी प्रभु देगा, उसका प्यास देख के प्रभु उसको देगा। दिया परमेश्वर ने। रात को सोया हुआ बिछौने पर 200 रुपया रखा हुआ है, ये प्रभु ने दिया हम बोल सकते हैं, वो बात सच है। और डीपर रेलम है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज कर उधर रखवाया। ताली बजाइए, बजाइए। आपको नहीं मिला लेकिन किसी को तो मिला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे मैंने इधर बात किया, एक विश्वासी का जीवन एक साधारण जीवन अगर है तो वो एक विश्वासी नहीं है। हालेलुया। इफ यू हैव फेथ कॉल्ड सब्सटेंस, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड सुपरनैचुरल। अगर आपके पास में विश्वास बोल के एक चीज अगर अंदर रखा हुआ है तो आपके इर्द गिर्द में अलौकिक चीजें होगी, असाधारण चीजें होगी। रिसीव करें बाय फेथ उसको, मेरे विश्वास के द्वारा, मेरे विश्वास असाधारण चीजें मेरे जीवन में होगी, असाधारण चीजें मेरे जीवन में होंगी। ये गवाही बाहर नहीं सुनने मिलेगा, अस्पताल में नहीं सुनने मिलेगा, स्कूल में सुनने नहीं मिलेगा, यहां सुनने मिलेगा। आमेन, आमेन। Amen. Man, man. मैंने कहा स्वर्ग दूतों के बारे में जब आप प्रकाशन रखेंगे तब वो स्वर्ग दूतों का इनकाउंटर्स आपके लाइफ में बढ़ना शुरू होगा। पिछले दिनों में सिस्टर ने गवाही दिया था, राइट, अपना दर्शन ब्रदर की वाइफ ने, निशा सिस्टर। क्या था वो? ये लिफ्ट कुछ बंद हुआ था, कोई वहां था नहीं, अब कौन जा सकता है? परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, इस बेटी के द्वारा दूतों को भेजकर किसी को रेस्क्यू कर सकता है। हालेलुया। ऐसे सुपरनैचुरल अलौकिक चीजें एनकाउंटर करेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। हालेलुया। आमेन। द मैन हु वॉक्स इन फेथ फेथ सीज सुपरनैचुरल। लिख के रखिए, एक व्यक्ति जो विश्वास में चलता है वो अलौकिक चीजों को देखता है। आमेन। एंड ही पॉसेस स्पिरिचुअल supernatural possessions. Amen. Amen. और वो अलौकिक स्थान में वास करता है, अलौकिक चीजों को वो possess भी करता है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तैयार है आप सभी लोग? It is God who created angels. ये परमेश्वर है जिसने स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूत लोगों को, स्वर्गदूत अपने आप नहीं बने हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। नहमाया चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 6, नहमिया की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6। नहमिया की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6। या तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। ये सबको बनाने वाला कौन है? बोलिए, परमेश्वर है। परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया, सेंसिटिव टॉपिक है, स्पिरिट में रहना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया, वो स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग शेप में बनाया, अलग अलग आकार में बनाया और अलग अलग रूप में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाया। स्वर्ग दूत लोग परमेश्वर के जैसे नहीं दिखते, लेकिन आप और मैं किसके जैसे दिखते हैं? परमेश्वर के जैसे। बोलिए, दूतों को, दूतों को परमेश्वर ने, परमेश्वर ने अलग रूप में बनाया, अलग रूप में बनाया, लेकिन मुझे, लेकिन मुझे अपने रूप में बनाया, अपने रूप में बनाया। मैन मैन खुशी है क्या? हालेलुया। यस जीसस। उन लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग रूप दिया,
अलग अलग फॉर्म दिया, अलग अलग शेप दिया, लेकिन मनुष्य को बनाने की जब बारी आए तो परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाए। आमीन। परमेश्वर उतना हमसे क्या करता है, प्यार करता है, समझना है। और वैसे ही स्वर्ग की एक तिहाई स्वर्ग दूत जो नीचे गिराए गए थे उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने कोई प्रोसेस नहीं रखा, लेकिन मनुष्य जब पाप में गिर गया उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान कर दिया। अंदर लीजिए, परमेश्वर मुझसे उतना प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे उतना प्यार करता है। इंक्रीज माय वॉल्यूम। परमेश्वर मुझसे उतना प्यार करता है। He loves me that much. वो मुझसे इतना प्यार करता है। More than his angels. उसके स्वर्गदूतों से भी ज्यादा। Angels are innumerable. और स्वर्गदूत जो हैं वो गिनती के बाहर हैं। They carry unrecorded numbers. और वो उनकी गिनती जो है वो गिनती के बाहर है। या इतनी संख्या में स्वर्गदूत लोग हैं कि उसकी संख्या को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालेलुया। मतलब ये पृथ्वी के जितने कैलकुलेटर हैं, वो कैलकुलेटर में कितना भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो भी स्वर्गदूतों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। ऐसे अनगिनत एंजल्स को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है 1000 times 1000, हजार के हजार गुना। एक्चुअली ये जो टाइम्स का मतलब होता है अपॉन या रेस टू, 1000 raised to 1000, 10,000 raised to 10,000, 10,000 के घाते 10,000। आपको स्क्वायर पता है? ओह माय गॉड। क्यूब पता है? वन का स्क्वायर क्या है, टू का स्क्वायर क्या है, फोर, थ्री का क्यूब क्या है, 27, राइट? यस। 3 into 3 into 3, सही है? यस। वैसे ही 10,000 raised to 10,000 कितना होगा? 10,000 के घाते 10,000 कितना होगा? 3 raised to 3, 27 है, तो 10,000 raised to 10,000 कितना होगा? इन्यूमरेबल। इतने एंजल्स को खुदा ने स्वर्ग में हालेलुया। एक आप और मैं, हम सभी लोग वही जगह जाने वाले। इमेजिन कीजिए कितना भयानक और कितना विशाल और कितना ही सुंदर वो जगह हो जहाँ पर अनगिनत एंजल्स लोग, वी कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड एंजल्स अराउंड गॉड। आमेन। इतने सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के चारों ओर हैं। यर्मिया 33 एंड वर्स नंबर 22, यर्मिया 33:22, जैसे आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के वालों के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता। आकाश की सेना की गिनती नहीं हो सकती। बोलिए, आकाश की सेना की गिनती नहीं हो सकती। तो नहीं गिन सकते इतने स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए हैं। दूसरा, मैंने बात किया था एंजल्स आर सो पावरफुल, और स्वर्गदूत बहुत ज्यादा सामर्थी हैं। बहुत सामर्थी है। हालेलुया। स्वर्गदूत कैसे हैं? बहुत सामर्थी हैं। एक स्वर्गदूत ने लिखा है 185,000 लोगों को एक ही स्वर्गदूत ने एक ही रात में क्या कर डाला। 2 Peter 2:11 और दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 11 वचन। या बी रिसेप्टिव, वचन को ग्रहण करने की मोड में रहे, विश्वास को बढ़ा कर रखे, अपने ध्यान को भटकने ना दे, एकाग्रित रहे। आमीन। 2 Peter 2:11, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में क्या है, बड़े हैं। हालेलुया। तो हमने पिछले संडे देखा, अगर एक स्वर्गदूत इतना सामर्थी हो सकता है, एक स्वर्गदूत, कितने स्वर्गदूत हैं? एक। कुल मिलाकर कितने हैं?
अनगिनत। उसमें से एक स्वर्गदूत ने 185,000 को एक ही रात में उड़ा दिया, सही है। अब आप सोच कर देखे कि ये परमेश्वर कितना बड़ा होगा जिसने ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को इस शेप में बना के रखा है। और मुझे गर्व है कि वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है। आमीन, हालेलुया। और ये सारे स्वर्गदूतों के ऊपर एक व्यक्ति है जो कमांडर है, यू नो, चीफ ऑफ ऑल, सबसे प्रधान है। आमीन, आमीन। यशुआ 5:13-14 के अनुसार वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो ये सारे एंजल्स के ऊपर, सारे स्वर्गदूतों के ऊपर सबसे श्रेष्ठ है और सबसे प्रधान है। हालेलुया, हालेलुया। और वही यीशु मसीह मेरा खुदा है। आमीन, आमीन, आमीन। साफ़े दिखा सकते Colossians 1:15, कोलोसियों का पहला अध्याय 15 वचन, कोलोसियों 1:15, और वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यीशु के बारे में कह रहा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। आगे, और क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी या अनदेखी, या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं। अंडरलाइन कीजिए प्रधानताएं, यहाँ पर जो प्रधानताएं हैं, दे आर एंजल्स। क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इसका मतलब एंजल्स को खुदा ने किसके लिए बनाया? अपने पुत्र यीशु के लिए बनाया, यीशु के लिए सृष्टि किया गया है। लेकिन जब एक व्यक्ति जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जब उसका तारण होता है, जब उसका उद्धार होता है, यीशु के लिए सृष्टि किया हुआ एंजल्स उसके लोगों के लिए भी सप्लाई किया जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, सारे स्वर्गदूत यीशु की अधीनता में है, यीशु की अधीनता में, और यीशु उन सब पर प्रधान है, और यीशु उन सब पर प्रधान है। हालेलुया। मेरा फेवरेट वचन है Colossians 1:16, सारी बातें उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो होता क्या है कि जैसे ही आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर एंजेलिक एक्टिविटी रिलीज होता है। सुन रहे हैं? जैसे ही आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, वहां पर स्वर्ग दूतों की सेवा क्या होती है? शुरू हो जाती है। जैसे ही आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर यीशु को महिमा देने लगते हैं, एंजेलिक रेलम आपके ऊपर ओपन होता है। जब आप यीशु के ऊपर फेथ रखते हैं, यीशु के ऊपर जब आप विश्वास रखते हैं, तो एंजेलिक रेलम, एंजेलिक स्तर क्या हो जाता है? खुल जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग के अंदर जा रहा है? आमीन, आमीन, आमीन। कैसे स्तर खुलता है? स्वर्गदूतों का स्तर। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो एंजेलिक रेलम या स्वर्ग के दूतों का जो स्तर है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। इसलिए जब जब आप यीशु पे स्ट्रांगली विश्वास करते हैं, एंजल्स लोग आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो पहला मैंने कहा स्वर्गदूत लोग असंख्य है, दूसरा मैंने कहा स्वर्गदूत लोग सामर्थी है, तीसरा एंजल्स हैव इमोशंस, स्वर्गदूतों को भावनाएं हैं। स्वर्गदूतों को भी भावनाएं हैं। हमको लगता है स्वर्गदूत लोग मतलब रॉबर्ट लोग जिनको कुछ फील नहीं होता, ऐसा नहीं है। Luke 15:1-10, Luke 15:1-10, Prerito ka kaam 12:23, जल्दी, Luke 15:1-10, Prerito ka kaam 12:23, Luke 15:1-10 में आप देखेंगे, जब ही पृथ्वी पर एक व्यक्ति मन फिराता है और एक व्यक्ति अपने पापों से
मन फिराकर यीशु के ऊपर विश्वास करता है, एक व्यक्ति जब रिपेंट करता है अपने पापों से, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस आनंद में एंजल्स लोग भी शामिल होते हैं। ले लिया। सुना क्या? मैं, मैं, मैं। स्वर्ग में आनंद होता है। आनंद जब होता है तो सभी एंजल्स लोग ऐसे ही चुपचाप खड़े नहीं रहते हैं। They all start rejoicing. और वो सब आनंद मनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा गले में लिंबू अटक गया ऐसा मत देखिए मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? स्वर्ग में क्या होता है? आनंद जब होता है तो सब स्वर्गदूत उसमें शामिल होते हैं। ये पृथ्वी पे जब कोई मन फिराता है स्वर्गदूत लोग आनंदित हो जाते हैं। They are so joyful. Hallelujah. So you can sponsor the joy. तो आप उस आनंद का कारण हो सकते हैं। इधर सुनिए, अभी प्रभु बोल जा रहा है कोई ना कोई फूड स्पॉन्सर किया होगा। किया है इस अगले महीने के लिए? किया है? शर्मा क्यों रहे आप? किया है ना? फूड स्पॉन्सर किया हुआ लोग है यहाँ पर। मुझे पूछना है स्वर्ग दूतों के आनंद के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कैसे? एक व्यक्ति को सुवार्ता बोलने से, एक व्यक्ति को गॉस्पल देने से। जब वो व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है, मन फिराता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आज किसके वजह से आनंद हुआ? ये जिसने सुसमाचार सुनाया इसके वजह से हेवन में पार्टी हो रहा है। तो यू कैन स्पॉन्सर हेवन्स पार्टी, यू कैन स्पॉन्सर जॉय फॉर एंजल्स। आप भी स्वर्गदूतों के उस आनंद का कारण हो सकते हैं और उसका पीछे का वजह बन सकते हैं। आमेन। 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 स्वर्गदूत लोग आनंदित होते इसका मतलब उनको भी भावनाएं हैं। आमेन। आमेन। प्रेरितों का काम 12 का 23 में लिखा है एक स्वर्गदूत क्रोधित हो गया। एक एंजल जो है वो बहुत क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने हेरोद नाम के राजा को मारा। राइट। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वो कीड़े पड़कर मर गया। तो एक स्वर्गदूत कैसे मारा पता नहीं। हथियार के बारे में वचन एक कहता है कि स्वर्गदूतों के हाथ में तलवार है। अब तलवार मारा है या याकूब के जैसे, याकूब के समय पर याकूब ने परमेश्वर के दूत से मलयुद्ध किया लिखा है और उस मलयुद्ध के बीच में जब याकूब वो एंजल को जाने नहीं दे रहा था तो उस एंजल ने सिर्फ ऐसा नस पकड़ा, समझ रहे? Yes. जाने देना रे, ऐसा किया, समझ रहे? Hallelujah. और वचन में लिखा हुआ है तब से याकूब लंगड़ा हो गया। क्या हो गया? लंगड़ा हो गया, ऐसा ऐसा चलने लगा, समझ रहे? Yes. One angel just touched the veins and he was totally gone. और एक स्वर्गदूत ने बस नस को छुआ और वहां पर वो ऐसा हो गया, लंगड़ा हो गया, लंगड़ा हो गया। ताकत समझ में आ रहा है? Hallelujah. तो यहां पर एक को ऐसा मारा, शायद ऐसे टच किया रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा गिर गया कि कीड़ा पड़ के मर गया। मैं क्या बता रहा हूं इधर? एंजल्स को भावनाएं हैं। Hallelujah. उनको गुस्सा भी आता है और उनको आनंद भी होता है। Amen, amen. आगे बढ़ेंगे जल्दी। तीसरा, चौथा, एंजल्स आर ओबीडियंट। स्वर्ग दूत लोग आज्ञाकारी होते हैं। स्वर्गदूत लोग आज्ञाकारी होते हैं। भजन संहिता 103 का 20 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पढ़ सकते हैं फिर भी। एंजल्स आर ओबीडियंट, स्वर्गदूत लोग आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर जो भी कुछ उनसे कहता है वो 100% परमेश्वर की बात को मानते हैं। आमेन। हे यहोवा के दूतों, हाँ, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो और उसको धन्यवाद कहो। उसके वचन को मानने से क्या करते हो? पूरा करते हो, करते हो। हालेलुया। बोलिए स्वर्गदूत लोग, स्वर्गदूत लोग पूरी आज्ञा मानते हैं, पूरी आज्ञा मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने सदृश्य में बनाए हुए उसके लोग उसकी बात नहीं मानते, दुख की बात है। चाहिए वैसा अपना जीवन जीते हैं। एंजल्स हमारे लिए एक नमूना है, रॉबर्ट्स नहीं है ये लोग। हालेलुया। सुन रहे? मैंने इसलिए पहले ही आपको बताया कि इनको भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। हेलो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है लूसिफर नाम के एक स्वर्गदूत को फीलिंग्स था, इसलिए वो घमंड से भर गया, भावना थी उसको। Yes.
पाप करने के चांसेस थे, गिरने के चांसेस थे, वो गिर गया, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक कोई एंजल्स गिरे नहीं है, सभी एंजल्स परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हालेलुया, मतलब वो हमारे लिए एग्जांपल है। आमेन, आमेन। हमको क्या लगता है स्वर्गदूत बोला जाए तो एक धुआं, एक हवा, ऐसे कुछ तो जीव, यू नो रॉबर्ट्स जैसे नहीं, उनको भावनाएं हैं और वो लुसिफर के जैसे चाहिए तो पाप में गिर सकते थे, कुछ लोग गिर गए लेकिन कुछ लोग ठहरे रहे, वो हमारे लिए उदाहरण है। आमेन। एक आवाज, यू नो परमेश्वर एक बार कहता है कि जाओ पृथ्वी पर और उस व्यक्ति के लिए ये चीज कर कर आओ। अभी ये बहन के लिए आज सुबह हुआ है। हालेलुया, सुबह परमेश्वर ने एक दूत को बोला जाओ, वो बहन को संडे आराधना में जाना है, कॉल ऑफ जीसस में पैसे नहीं है, जाके उसको पैसे का इंतजाम करके आओ। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? एक आवाज पर दे वर्क फॉर गॉड, उन्होंने परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दिया और ऐसा होने पाए कि परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया हुआ मनुष्य, जिसके लिए अपने पुत्र को भी उसने कुर्बान किया, वो भी ऐसे उसकी आज्ञा माने। हालेलुया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव द लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपना जीवन को जिए। फिर से बोलिए, ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जिए। ये सब सुनने में कोई पावर नहीं आता है, लेकिन ये हकीकत बात है। हालेलुया, पड़ोसी को शेक हैंड दीजिए, बोलिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीना शुरू कीजिए। कितने लोगों ने अंदर लिया? आमीन, आमीन। एंजल्स आर वेरी ओबीडिएंट टू गॉड, और स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए बहुत आज्ञाकारी हैं। पांचवा, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, हमें थोड़ी चीजें और देखनी है। एंजल्स आर होली बींग्स, और स्वर्गदूत पवित्र जन है। स्वर्गदूत पवित्र जन है। प्रकाशित वाक्य 14:10, रेवलेशन 14:10, मार्क 8:38, प्रकाशित वाक्य 14:10, मरकुस 8:38 वचन 14:10, प्रेरितों 14:10 प्रकाशित वाक्य, तो वह परमेश्वर का प्रकोप कि निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वहां पर लिखा है पवित्र स्वर्गदूतों के सामने। स्वर्गदूत सब कैसे हैं? पवित्र हैं। दे आर होली, और उनकी जो पवित्रता है वो पवित्रता को उन्होंने खुद से कमाया नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पवित्रता में बने रहकर पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, बिकॉज़ दे आर स्टैंडिंग इन द होलीनेस ऑफ गॉड एंड दे आर मेड होली, और वो परमेश्वर की पवित्रता में खड़े रहे और वहां पर वो पवित्र किए गए। वो निरंतर परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में खड़े रहकर पवित्र किए हुए लोग हैं, ना कि कुछ पवित्र काम करके पवित्र बनाए हुए। आज मसीह यीशु में हर एक विश्वासी का जो स्थान है पवित्रता का, वो पवित्र काम करके पवित्र हुए नहीं है, लेकिन पवित्रता के स्थान पर लाकर पवित्र किए हुए लोग। सेम लाइक अस, बोलिए हमारे ही जैसे, हमारे ही जैसे। हालेलुया। नंबर सिक्स, छठवां, एंजल्स हैव नो नीड टू रेस्ट, और स्वर्गदूतों को आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्गदूतों को कोई आराम करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। प्रकाशित वाक्य 4:8 वहां पर हम लोग देख सकते हैं, बिना विश्राम किए, वचन में लिखा है वे बिना विश्राम किए कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था जो है और जो आने वाला है। बोले बिना विश्राम किए, बिना विश्राम किए, इमेजिन कर सकते हैं? हालेलुया, फ्रॉम एंडलेस पास्ट, और असीमित भूतकाल से वो लोग निरंतर खुदा को पवित्र 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 ऐसा बोल रहे बिना विश्राम की। हालेलुया, उनको विश्राम की आवश्यकता नहीं,
उनका सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि उनको थकावट महसूस नहीं होती है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं आप और मैं एंजल्स के जैसे होने वाले, वचन कहता है यस यस, वे सब स्वर्गदूतों के समान समान होंगे ऐसा लिखा है। वेट करो, बोलो पड़ोसी को, ऐसा एक सीजन आपकी लाइफ में आएगा जब आपको थकावट नहीं होगी, निरंतर खुदा की हुजूरी में बिना विश्राम किए। वाह, आमीन, इतना बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है। हालेलुया। नंबर सेवन, सातवां, एंजल्स आर मीक, स्वर्गदूत लोग नम्र हैं। स्वर्गदूत लोग नम्र हैं। स्वर्गदूतों के बारे में उनकी नम्रता हम देख सकते हैं जूड चैप्टर नंबर 9, यहूदा की पत्री 9वां वचन, यहूदा की पत्री 9वां वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने, हाँ, जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। फिर से एक बार, प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। यहां पर देखिए, मूसा की डेड बॉडी को लेकर एक स्वर्गदूत वाद विवाद कर रहा है, मतलब शैतान का एक दूत मूसा की डेड बॉडी को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने एक दूत को जिसका नाम मिखाएल है, युद्ध करने वाला योद्धा, परमेश्वर जाकर गिराए हुए दूतों से लड़ता नहीं है, उतना परमेश्वर का स्टैंडर्ड गिरा हुआ नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर जाकर शैतान से नहीं लड़ रहा, ना ही लड़ता है, वो अपने एंजल्स को भेजता है। तो मिखाएल स्वर्गदूत भेजा जा रहा है और वो जाकर मूसा की डेड बॉडी के लिए वाद विवाद कर रहा है। आप और मैं उधर रहते तो क्या बोलते हैं? ज्यादा होशियारी मत कर, तू किधर से नीचे गिरा है मेरे को मालूम है। हालेलुया। सही बात है, तू पहले क्या था वो मेरे को मालूम है। ओ पवित्र लोगों, सुन रहे हैं? सही बात है, होली पीपल, लिसन हियर, ये चर्च का नाम अपन थोड़े दिन के बाद चेंज करेंगे, चर्च ऑफ होली पीपल मिनिस्ट्रीज, सुन रहे हैं आप लोग? तो हम रहते तो बोलते हैं कि तेरी औकात हमको पता है, तू कहां से नीचे गिरा है हमको मालूम है। ऐसे बोलकर उसको नीचा दिखाकर, उसको नीचे गिराकर क्या हो सकती, वो बॉडी को अधिकार से लिया जा सकता था। लेकिन लिखा वहां पर, वचन खोले बेटा, नौ, यहूदा, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। हालेलुया। It shows they are humble in their character. और ये बताता है कि वो अपने स्वभाव में नम्र हैं। Man, man. Angels हमारे लिए उदाहरण है। Hallelujah. परमेश्वर के निकट रहकर इतनी सामर्थ रखने के बावजूद गिराया हुआ एक अंधकार का दूत जब उसके सामने खड़ा है तो उसको भला बुरा कहकर, come on, भला बुरा कहकर उसको नीचे नहीं गिराया। Hallelujah. बोलिए, हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए उदाहरण है। कुछ कुछ लोग इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं, सिर्फ कपड़ा उतारना बाकी होता है, उतना एक व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। लेट अस लर्न फ्रॉम इट, इन बातों से सीखें। स्वर्गदूत हमारे लिए उदाहरण है, आमीन, स्वर्गदूत हमारे लिए उदाहरण है। इसके लिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया कि स्वर्गदूत लोग नम्र है। आमीन, आमीन। हालेलुया। एंड वेयर दिस मीकनेस इज कमिंग फ्रॉम, और ये नम्रता कहां से आ रही है? दे आर लर्निंग फ्रॉम गॉड, और वो परमेश्वर से सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग फ्रॉम जीसस, वो यीशु से सीख रहे हैं, क्योंकि वे यीशु की हुजूरी में हमेशा रहते हैं। आमीन, आमीन। मत्ती 11:29, मैं मन में नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो, यीशु ने बोला। आमीन, आमीन। उसकी नम्रता देखकर सीखने वाले और करने वाले उसके दूत लोग। आमीन, आमीन। आगे नौवा,
एंजल्स कैनॉट इंक्रीज. आठवा, स्वर्गदूत लोग गिनती में नहीं बढ़ते. मतलब कई हजारों साल पहले जितनी संख्या में परमेश्वर ने दूतों को बनाया था, उनमें से एक भी स्वर्गदूत गिनती में बढ़ा नहीं अभी तक. उनमें गिनती में बढ़ोतरी नहीं होती है. मनुष्यों को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ. लेकिन ये चीज परमेश्वर ने दूतों को नहीं कहा. इसके लिए मत्ती 22 के 30 में लिखा है, दूतों का विवाह नहीं होता. क्यों विवाह नहीं होता? क्योंकि उनको बढ़ाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने नहीं दिया है. लेकिन एक हालेलुया बोलिए. हालेलुया. परमेश्वर ने मनुष्यों को वंश बढ़ाने के लिए कहा है. आमीन. वंश बढ़ाकर इस पृथ्वी पर भरने के लिए, और उस पृथ्वी पर भरे हुए वंश के द्वारा महिमा लेने के लिए, और इस पृथ्वी पर उनके द्वारा कुछ करने के लिए. ये सारा बड़ा प्रोग्राम परमेश्वर ने एंजल्स के लिए नहीं लेकिन मनुष्यों के लिए रखा. थोड़ा क्लियर बोलूं तो मेरे लिए रखा. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. ओके, आगे नंबर 9. एंजल्स आर वाइज. स्वर्गदूत बुद्धिमान है. स्वर्गदूत लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं. दूसरा शमूएल 14:20. सेकेंड सैमुएल चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 20. 14:20. जल्दी. तेरे दास योआब ने ये काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत ने के तुल्य बुद्धिमान है, यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है. कितने लोगों ने पढ़ा? हालेलुया. और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान. वाइस लाइक गॉड्स वन एंजल. परमेश्वर का एक दूत भी क्या है? बहुत बुद्धिमान है. वेर आर दे रिसीविंग दिस विजडम? कहां से ये बुद्धि वो लोग प्राप्त कर रहे हैं? परमेश्वर से. बुद्धिमान परमेश्वर की हुजूरी में रहते सदियों से उसके प्रेजेंस में रहते. ये स्वर्ग दूत लोगों के अंदर भी एक असमान बुद्धि हमको देखने मिलता है. उनके जो काम करने का तरीका है वो सब में गॉड का, परमेश्वर का विजडम प्रकट होता है. परमेश्वर की बुद्धिमानिता प्रकट होती है. आमीन. आमीन. कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया. सीख सकते हैं हम लोग उससे. हालेलुया. दे आर वाइज. वो लोग बुद्धिमान हैं. होली स्पिरिट अगर मेरे अंदर बैठा है, बुद्धि का सोता अगर मेरे अंदर बैठा है, मूर्खता का काम नहीं करना है. आमीन. आमीन. करो. पड़ोसी को देखिए बोलो, अगर बुद्धि का सोता पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो मूर्खता का काम नहीं करना. हालेलुया. कुछ चीजें एक एक लाइन बोलते टाइम पर वो अंदर जाएगा. हालेलुया. आमीन. यस, बदलाव आने की आवश्यकता है. वॉट एवर वर्क यू डू, डू इट इन अ वाइज वे. और जो भी काम आप करो उसे बुद्धिमान तरीके से करो. आमीन. हालेलुया. तो हमने क्या देखा? स्वर्गदूत लोग बहुत बुद्धिमान है. अब ये सब के लिए मैं आपको पर्सनल स्टोरी ये सब मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, जस्ट आई एम गिविंग इट. आगे, एंजल्स हैव अ अनरिकॉर्डेड स्पीड. और स्वर्गदूतों के पास जो रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसी स्पीड है. जेनेसिस चैप्टर नंबर 28 एंड वर्स नंबर 12. 28 और उसका वचन 12. उत्पत्ति 28:12. तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं. याकूब एक दर्शन देख रहा है और उस दर्शन में उसने एक सीढ़ी को देखा जो पृथ्वी से स्वर्ग तक लगी हुई है और उस सीढ़ी के ऊपर कुछ स्वर्गदूत लोग उतर रहे हैं. कुछ लोग चढ़ रहे हैं और कुछ लोग उतर रहे हैं. कहां से कहां तक?
पृथ्वी से स्वर्ग तक और स्वर्ग से पृथ्वी। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? कहां से कहां तक उतरना चढ़ना हो रहा है? स्वर्ग से पृथ्वी। पहला मंजिला दूसरा मंजिला चढ़ने के लिए 5 मिनट लगता है कुछ लोग को, सही बात है। 3 बार बैठ बैठ के उतरते हैं, सही है। लेकिन ये एंजल्स लोग सीधे हेवन से पृथ्वी और पृथ्वी से सेकेंड्स के अंदर होता है। इसके लिए मैंने बोला आपको अनरिकॉर्डेड टाइम, पृथ्वी का जो टाइम है वो टाइम को सब रिकॉर्ड किया जाता है, 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन ऐसा भी कुछ टाइम है जिसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिली सेकेंड्स के अंदर। मिली सेकेंड्स भी सही यूनिट नहीं है, मिली सेकेंड्स में नहीं बोल सकते हम लोग, उससे भी कम, बहुत कम। ऐसा कोई अंक ही नहीं हमको बताने के लिए। उतने कम सेकेंड्स के अंदर ये स्वर्गदूत लोग सीधे चढ़कर ऊपर नीचे नीचे। अभी ये मिनिस्ट्री चल रहा है, मैं वचन का सेवा यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरे चारों ओर एंजल्स लोग हैं। इस जगह के ऊपर कुछ एंजल्स लोग हैं जो उतर रहे चढ़ रहे हैं, उतर रहे चढ़ रहे हैं, उतर रहे चढ़ रहे। शारीरिक व्यक्ति नहीं समझेगा। यहाँ पर मैंने कईयों को बोलते हुए सुना है, बैठे बैठे उनको दर्शन मिला है। मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे बाजू में एक एंजल खड़ा है। Yes. कितने लोग हैं मेरे साथ में? चर्च के अंदर उतरते हुए चढ़ते हुए देखा है। ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर एंजल्स करते हैं। एक ऐसा ईश्वरीय वेगता उनके अंदर कहां से आई? They are in God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। They don't have anything of their own. उनका खुद का कुछ भी नहीं है। Everything they are drawing from God. वो सब कुछ परमेश्वर से ले रहे हैं। Man, man. Everything they are drawing from God. सब कुछ वो परमेश्वर से ले रहे हैं। They are seeing one God who can move in seconds. उन्होंने उस परमेश्वर को देखा है जो सेकंड्स में इधर से वहां होता है। जैसा वो है वैसे ही उसके दूतों में गुण पाया। और चर्च हम बार बार कहते हैं ईश्वरीय गति। अहाब के रथ से भी आगे भागा हुआ एलिशा का स्पीड, कितने लोगों को मालूम है? अहाब के रथ को पीछे छोड़ दिया और ये साधारण पतला सा आदमी भाग कर आ गया। डिवाइन एक्सेलरेशन, ईश्वरीय गति। ऐसी गति फैमिली में, फाइनेंस में, मिनिस्ट्री में जब उतरता है, चीजें सब सुपरनैचुरली ग्रो होना शुरू होता है। सुपरनैचुरली अलौकिक रीति से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दम लगा लगा के बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ कुछ चीजें अपने आप बढ़ना शुरू होता है। ऐसे एक सुपरनैचुरल डिवाइन एक्सेलरेशन यीशु के नाम से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर आए, मेरी प्रार्थना। टेक वन माइक एंड से समथिंग, रिसीव इट वेल, और इसे ग्रहण करें कि परमेश्वर आपके जीवन में सर्वदूतों के द्वारा ये सब करेगा। एक और माइक ले लो बेटा, कोई एक माइक ले लो जल्दी से, कोई एक माइक ले लो और मुंह खोल कर डिक्लेयर करो यहाँ पर। हालेलुया, सम स्पिरिचुअल पीपल हियर। थैंक यू जीसस। सीखा जैसा एक ईश्वरीय गति यीशु के नाम से। अगर जिंदगी में बहुत चीजें स्लो चढ़ रही है, नो थिंग्स आर गोइंग वेरी स्लो, खुदा के प्रेजेंस में खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ, रिसीव करिए उसे जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं। आमेन, आमेन। इफ हिज एंजल्स कैन मूव इन दैट स्पीड, अगर उसके स्वर्ग दूत लोग उस स्पीड से अगर मूव कर सकते हैं, ये पृथ्वी पर खड़े होकर आप रिसीव कीजिए। वही परमेश्वर मेरा खुदा है, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरी जिंदगी में धीमी 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 होने वाले कुछ चीजों को ओ रसी खा बहाता। अविश्वास की आत्मा को मैं डांटता हूँ, लोगों के ऊपर से हट जाए। लांदे रेखा बहसी आंधो लो रो चला मातियारा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर कमाने शुके ना मेरे से करें कुछ बदलाव को, कुछ ही सेकंड्स के अंदर देखने के लिए। वो पानी जैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर दाखरस बन गया। डिवाइन एक्सेलरेशन।
आमीन 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 जीसस। ए बाबा कुछ लोग मुंह खोल कर अन्य भाषा बोलो, रिसीव करो रांदाबा से। भारत के ऊपर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यीशु के पवित्र नाम से, भारत के अंदर कुछ डिवाइन एक्सेलरेशन हो जाए। भारतवर्ष की कलीसियाओं के अंदर डिवाइन एक्सेलरेशन उतरे, स्वर्ग की गति भारत देश के ऊपर आने पाए। रसे के ठेले बहाजन ठेला काजिया ठेला बा, अन्य भाषा में बात करकर उसको स्थापित करें। Divine acceleration. ईश्वरीय गति। मेरा परमेश्वर जो पवन में सेकेंड्स में उड़कर यात्रा करता है, पवन को अपना दूत बनाता है, पवन को अपना वाहक बनाता है। सेकेंड्स के अंदर मूव करने को पसंद करने वाला परमेश्वर तेरी जिंदगी में भी एक डिवाइन एक्सेलरेशन को लेकर आए। बहुत सारे लोग जो कई सालों में नहीं कर पाए, वो लोगों सबको पीछे छोड़कर तू आगे निकलेगा। हो तेरे पुर्नियों को पीछे छोड़कर तू आगे निकलेगा। कमान सेलिब्रेट, ताली बजाए अच्छे से। जो यहाँ बोला गया उसको रिसीव करें। कमान से डिक्लेयर इट, डिवाइन एक्सेलरेशन और ईश्वरीय गति आपके जीवन में आएगी। कॉल ऑफ जीसस के ऊपर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ डिवाइन एक्सेलरेशन। तुम्हारी खलीसिया कॉल ऑफ जीसस के ऊपर देती है ईश्वरीय गति आने वाली। आमीन आमीन हालेलुया। सदूतों के समान ईश्वरीय गति में हम चले। धीरे 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 धीरे, रुक रुक के नहीं। प्रभु से बोलिए, प्रभु ये रुक रुक के चलना मुझे बस हुआ है। तेरे स्वर्ग दूतों के जैसे मेरे पैरों की भी गति बढ़ा। कमो एक ही आवाज में पुकारिए प्रभु को, प्रभु मेरी जिंदगी में ये गति कब तक ऐसा धीरे धीरे चलने वाली गति रहेगी। प्रभु हम साधारण गति में नहीं, हम ईश्वरीय गति में हम दौड़ेंगे। सदूतों के समान ईश्वरीय गति में हम दौड़ेंगे। प्रभु सदूतों के समान एलिया के समान परमेश्वर से हाथ से तेज वो दौड़ा, परमेश्वर हम वैसे दौड़ने। यीशु जैसे बादलों पर उठा लिया गया सेकंड्स के अंदर, यीशु भी ईश्वरीय गति में चलता है। स्वर्ग दूत लोग ईश्वरीय गति में चलते हैं, परमेश्वर के बच्चे भी। हारून की लाठी जैसे रात भर में फूल और फल से भर गया, कई साल लेकर लगने वाली उस लाठी पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैसे फल लगा, वैसी ईश्वरीय गति यीशु के नाम से तेरे घर में, घराने में, बच्चों में, परिवार में, धन में, सेहत में, कलीसिया में, देश में, सेवकाई में, हर एक क्षेत्र में। कुछ कुछ लाठियां स्पेशल है, कुछ कुछ लाठियां स्पेशल है। यीशु के नाम में ईश्वरीय गति लगा हुआ लाठी। जवान बच्चे सब ग्रहण करें, ईश्वरीय गति लगा हुआ लाठी, ईश्वरीय गति लगा हुआ लाठी। Raise your standard and receive.
साथ तेरा एनकाउंटर होते ही ईश्वरीय गति रखने वाले को स्वर्ग दूतों से तेरा एनकाउंटर होते ही तेरे जीवन की गति बदलना शुरू हो जाए। ये हफ्ते भर के लिए पकड़ लीजिए, ये हफ्ते भर के लिए पकड़ लीजिए, ये हफ्ते भर के लिए पकड़ लीजिए। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, पिछले दिनों में जो नहीं हुआ कुछ ही मिनट के अंदर तेरे लिए कर सकता है, विश्वास कर। और लोगों ने याहवे को बुलाया, और लोगों ने याहवे को पुकारा, और लोगों ने याहवे को बुलाया, और उसने उनकी स्थिति को बदल दिया। मैं यहूदा की स्थिति को बदलेगा और याकूब आनंदित होगा, जैसे लिखा है। मैं यहूदा की स्थिति को बदलूंगा और याकूब आनंदित होगा, जैसे लिखा है। Oh my Jesus, oh my Jesus. We declare the ईश्वरी गति को हमारी कलीसिया पर। यहाँ वहाँ देख कर टाइम पास ना करे, जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अभी पकड़ लीजिए। कितना बड़ा परमेश्वर है ये, कितना बड़ा परमेश्वर है ये। कुछ है आप पकड़ लेना, जो कुछ है आप हक से मांग लेना, जो कुछ आपका है वो आज अपना कर जाना यहाँ से। जब तक आप फेड अप नहीं होंगे तब तक आप बदलाव नहीं देखेंगे। बी फेड अप विद प्रेजेंट सिचुएशन, अभी की परिस्थिति से तब आ जाएं, तब परमेश्वर आपको उसमें से छुटकारा देगा। अभी की परिस्थिति से तंग आ जाए तब परमेश्वर आपको उसमें से छुटकारा देगा। अभी की परिस्थिति से तंग आ जाए तो परमेश्वर आपको उसमें से छुटकारा देगा। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, जब बल से उसके ऊपर आत्मा उतरता था, फिलिस्तीनों ने बांधी हुई बड़ी बड़ी साखलियों को भी धागे के समान तोड़ कर गिराने का अभिषेक पवित्र आत्मा बोल रहा है। आज की सुबह इधर आए हुए कुछ लोगों के ऊपर अभिषेक उतर रहा है, सैमसन के ऊपर उतरे हुए रहेंगे। बड़े बड़े साखलियों को भी, बड़े बड़े साखलियों को भी रस्सी के जैसे तोड़ने की अभिषेक पहले से ही सुनवा दे। आपकी आवाज बदल रही है, आपकी आवाज बदल रही है, आवाज बदल रही है। एक प्रॉफिटिक वॉइस अभी आपको दे रहा है। The Lord is giving you a prophetic voice। भविष्यवाणी की आवाज दे रहा है। Oh, my God!
आत्मा कुछ लोगों के लिए कुछ सिग्नेचर कर रहा है, कुछ चीजों को पवित्र आत्मा आज तेरे जीवन में पास कर रहा है। कई दिनों से रुका हुआ कुछ चीजों को ऊपर पवित्र आत्मा का एक हस्तक्षेप, अ सिग्नेचर इज फॉलिंग ऑन सम डॉक्यूमेंट्स आई सी, और कुछ कागजातों पर पवित्र आत्मा साइन कर रहा है। किसी और के लिए इंतजार नहीं करना, गॉड अप्रूव्ड, परमेश्वर ने उसको पास कर दिया, गॉड अप्रूव्ड, और परमेश्वर ने पास कर दिया, गॉड अप्रूव्ड, परमेश्वर ने पास कर दिया है। नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट इफ यू हैव दैट गॉड अप्रूव्ड। और जब परमेश्वर ने उसे मान लिया, जब परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिया हो, अगर खुदा ने अप्रूव कर दिया हो, कोई खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स की अगर इंतजार में कोई खड़ा है यहाँ पर, आज विश्वास करना कि परमेश्वर उस डॉक्यूमेंट्स को साइन कर कर आगे फुलफिल कर रहा है, उसको अप्रूव कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर प्रभु लिख रहा है, आमीन, यू आर हील्ड, आप चंगे हो गए हो, आप चंगे हो गए हो। कागजातों
कुछ परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा। वैसे ही पीठ पर चमक रखने वाले किसी को प्रभु यहाँ छू रहा है। आपके बैक में बहुत पेन होता है, आपके पीठ पर कोई चमक बैठकर आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे, ऐसा पीठों को मैं देख रहा हूं। कुछ राफाएल एंजल्स लोग छूकर हील कर रहे हैं। स्वर्ग दूतों का एक स्पर्श आज कुछ शरीरों के ऊपर हो रहा है। माय जीसस, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को हम आदेश देते हैं, इसी वातावरण के अंदर खत्म हो जाए, इसी वातावरण के अंदर वो मिट जाए। लॉर्ड के प्रेजेंस में हीलिंग है। देयर इज अ राइचियसनेस सन राइजिंग हियर, और कुछ धार्मिकता यहाँ पर उठ रही हो, धार्मिकता का सूर्य उदय हुआ और उसके किरणों से लोग चंगे हो गए, जैसे लिखा है। आज एक नया सूर्य उदय तेरे पर हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक जड़ों की दर्द हट जाए। एवरी जॉइंट पेन बी हील, हर एक घुटनों का दर्द चंगा हो जाए। एवरी जॉइंट पेन्स बी हील, हर एक घुटनों का दर्द चंगा हो जाए। एवरी पेन इन द बॉडी बी हील राइट नाउ, शरीर की सारी वो दर्द चंगी हो जाए यीशु के नाम में। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, ग्रहण कर यीशु के नाम में। अगेन आई सी अ पर्सन गेटिंग हील्ड, और अभी मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ जो चंगा हो रहा है। दांतों से समस्या रखने वाले किसी को यीशु छू कर चंगा कर रहा है। दांतों में जो समस्या है हील हो जाए इस समय पर। एलर्जी सारे हील हो जाए यीशु के नाम में। लंदो रोसो कोरो रोबो शारामाना दरबा, श्वास लेने की समस्याओं से इसी समय पर अद्भुत चंगाई मिले। आमीन। रिसीव करें यीशु के नाम में। हर एक प्रकार के हृदय की समस्या चंगी हो जाए, टॉन्सिल हील हो जाए, इसे टॉन्सिल हील हो जाए इस समय पर यीशु के नाम में। आंख चंगा हो जाए, कान चंगा हो जाए यीशु के नाम में। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सेलिब्रेट द हीलिंग राइट नाउ। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु की हुजूरी में आप चंगे होकर बाहर जाओ। रिसीव इट, रिसीव इट, ग्रहण करे, ग्रहण करे। एवरी पेन इन द हेड गो, और सिर का सब दर्द चला जाए। काफी समय से होने वाले कुछ सर दर्द चंगा हो जाए इसी समय पर, इसी समय पर। हीलिंग एंजल आपके बाजू में आकर खड़ा हो जाए। वो बीमारी लाने वाली लूसीफर की